नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी में शहर से कबाड़ियों को बाहर भेजने प्रशासन ने शुरू की कार्यवाही। कबाड़ी और प्रशासन आ गए आमने सामने। कबाड़ियों ने कहा, खुले मैदान में कैसे होगा व्यवसाय। प्रशासन ने कहा, हर हाल में शहर से बाहर करना होगा व्यवसाय। आपको बता दें कि जबलपुर में कबाड़ गोदाम में हुई विस्फोट की घटना के बाद राज्य शासन ने शहरी क्षेत्र से कबाड़ियों को हटाने के आदेश दिए हैं। गुरुवार को एसडीएम प्रदीप मिश्रा के निर्देश पर तहसीलदार के साथ राजस्व और पुलिस की टीम मिशन चौक पहुंची। कबाड़ियों ने कहा कि पुरैनी में जिस स्थान पर व्यवसाय को जगह दी जा रही है वहां पर्याप्त इंतजाम नहीं है, कुछ समय और दिया जाना चाहिए। इसके बाद कबाड़ी एसडीएम कार्यालय आ गए। एसडीएम ने कबाड़ियों से दो टूक कह दिया है कि हर हाल में व्यवसाय शहर से बाहर करना होगा। हम लोग बचपन ही से ये काम कर रहे हैं। आज क्या कहते बोलते हैं कि यहाँ नहीं लगाओ दुकान, तो हम लोग कहाँ जाए सर ये बच्चों को लेके, बताइए। 100-150 को माल बेचेंगे हम, वहाँ 200-250 रुपए किराया लगाएंगे तो कैसे पालेंगे अपने बच्चे को, बताइए आप। लोग क्या करती हैं वैसे? ये कबाड़ का कागज पन्नी बीनते हैं सर। शहर में ही रहते हैं? हाँ, शहर में बीनते हैं। बहुत से माल 100-150 होगी बिनने वाले का। हाँ हाँ, क्या समस्या आ रही है? तो सर ये समस्या आ रही है कि छोटे छोटे बच्चे, बताओ, हम लोग काम भी करने जाते हैं तो ये छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के कहाँ जाएंगे? मांगने जाते तो बोलते इतने जमानो मांगते हो, कबाड़े के हम लोग का काम है सर, तो कबाड़े खाएंगे, कबाड़े के करेंगे, बताइए। जब यही ना खरीदेंगे तो हम लोग कहाँ से बेचेंगे? कौन लेगा हम लोग का कबाड़? 10-20 हजार बिनने वाले हैं सर। क्यों ना मानेंगे सर? तो हम लोग को कोई रोजगार दो फिर, हम लोग को कोई रोजगार दो। ज्योति वंश का माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चीफ सेक्रेटरी और माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी साहब के निर्देशन में आज कटनी जिले के नगर निगम क्षेत्र में प्रातः नगर निगम, पुलिस और रेवेन्यू की टीम 8:30 बजे से कबाड़ी की दुकान को हटाने के लिए निकली हैं। और ये 64 दुकानें हैं जिनको तीन दिन में नगर निगम क्षेत्र के बाहर करने की कार्रवाइयाँ की जाएंगी। प्रथम दृष्टिया शासन का ये आबादी क्षेत्र में विस्फोटक और आबादी में लाइन ऑर्डर की समस्या और अतिक्रमण की समस्या और ट्रैफिक की समस्या के कारण इनको बाहर करने की योजना बनाई गई है। जिन छोटे व्यापारी के पास जगह नहीं है, जमीन नहीं है, वो कहाँ दुकान लगाएंगे? इनको शासन के निर्देश है कि जमीन अपनी किराए की लेनी है, नगर निगम क्षेत्र के बाहर कहीं भी जमीन किराए पर लें और वहाँ इनको दुकान लगानी है। जिनके पास पैसा है, समृद्ध है, वो दुकान खरीदें, जमीन खरीदें, वहाँ पर कार्रवाई करें। और जो औरतें रोज़ कचरा इकट्ठा करती हैं उनके लिए हम नगर निगम क्षेत्र में 6-7 स्थानों पर कनेक्शन सेंटर बनाए कचरा, जहाँ पे कचरा कबाड़ इकट्ठा होगा और वहाँ से ये जो बड़े कबाड़ी हैं आके अपना लेके जाएंगे। वो जो सेंटर बनाएंगे वो आबादी के दूर बाहर बड़े स्थानों में बनाए जाएंगे। जो और ज्वलनशील पदार्थ के जो खतरा है, तो ऐसी दुकानें तो और भी हैं सर, कागज की, प्लास्टिक की। शासन की योजना अनुसार निर्देश आते रहते हैं। बीच में पेट्रोल पंप पे भी कार्रवाई की गई है। फटाखे की दुकानें हमने माधव नगर से 19 दुकानें बंद करवा दी हैं, बंद है वहाँ पे। भविष्य में जब जो शासन की जो योजना आती है प्राथमिकता अनुसार कार्रवाई जारी रहती है। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। हमारे कबाड़ी भाई हैं और जो छोटी छोटी जो कबाड़ बीनती हैं, महिलाएं हैं, बहुत गरीब तबके से आती हैं जो कि शहर की रहने वाली हैं, इनके द्वारा 200-300 रुपये का रोज़ कबाड़ इकट्ठे करके पन्नी, पुट्ठा, तमाम प्रकार के प्लास्टिक के सामान इकट्ठे करके अपने यहीं लोकल पर भेज देते हैं। 200-300 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। सरकार के पास इनके लिए कोई योजना नहीं है। बेचारे लोग, ये लोग काम करके कबाड़ के धंधे से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। आज नगर निगम और प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में तालाबंदी की जा रही है। इनके लिए कोई जगह वगैरह मुहैया कराई? कोई जगह सुनिश्चित नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा। सिर्फ बोला जा रहा है कि हम, आप कहीं भी खोल लीजिए, कटनी से हटवाएंगे। किसी प्रकार का अगर आज नहीं हटवाए तो हम ताला लगा देंगे, आपका माल उठा के जब्त करा दिया जाएगा। क्या कारण है कबाड़ दुकानों को बाहर किया जा रहा है? कटनी में कोई ऐसा कारण नहीं है। कटनी में किसी अन्य शहर में कोई घटना विस्फोट हुई थी, लेकिन कटनी में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। यहाँ सिर्फ प्रशासन अपना डंडा चला रहा है जो कि गरीबों के साथ अहित हो रहा है। इस प्रकार शासन को तुरंत कार्रवाई रोकना चाहिए। अभी हम लोग 1 बजे कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं। यदि कार्रवाई नहीं रुकी तो हम लोग किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, चकाजाम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। ये लगभग सैकड़ों वर्ष से हो गया कटनी में कबाड़ का धंधा चलते हुए, सैकड़ों साल पुरानी दुकानें हैं।
मैं मानता हूँ कि कोई कुछ लोग गड़बड़ करते रोड पर कबाड़ का सामान रखते हैं, उन पर कार्रवाई, अतिक्रमण करते हैं, उन पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। लेकिन और भी ज्वलनशील पदार्थ की और भी कार्य नहीं होते हैं क्या कटनी में? होते हैं, ढेर सारे होते हैं। बिल्डिंग होती हैं, पेट्रोल पंप शहर के मेन जगह पर खुले हुए हैं, पटाखे की दुकानें शहर के अंदर स्टेडियम में ग्राउंड में खोली जाती हैं, ढेर सारे कपड़े दुकान, किताबों की दुकानें, जो कि वो भी ज्वलन शराब ज्वलन सब चीज़ें शहर के अंदर स्थापित हैं। सिर्फ इनको कबाड़ी ही नज़र आते हैं, क्योंकि ये गरीबों का काम है, इनको इससे कमीशन नहीं मिलता, इसलिए प्रशासन इसमें डंडा चला रही है। हमको अपने से तो हमारा कोई है नहीं भाई, हमको अगर हम नौकरी की है हमको बॉस बोलेगा कि ये तो हम करना कम आए, आप चले जाइए अपनी समस्या बताइए। सर गए थे कलेक्टर साहब आपके पास, तो कलेक्टर साहब कोई लेना देना नहीं है मेरा, कोई नहीं ये बोला परसों के दिन। आपका क्या नाम है? हमें शुक्ला हूँ मैं, एसोसिएशन का अध्यक्ष हैं। क्या है आप? एसोसिएशन का अध्यक्ष चालू कर दिए थाना क्षेत्र की कबाड़ शहर में जो कबाड़ की दुकान है उन्हें बाहर कोई कारोबार ना करे, कुल मिला के ये होगा, ये तो क्लियर हो गया, क्लियर नहीं है पूरे नगर निगम क्षेत्र के बाहर या नगर निगम क्षेत्र में जहाँ पे आबादी हो भैया, मैं बोलता क्या है आबादी, शासन निर्देश क्या है आबादी, हम अभी भी उन दुकानों के पास ही गए हैं, आज और कल उसी दुकानों के पास जा रहे हैं, उसके पास हम गए भी नहीं ना जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे लक्ष्य में क्या है प्रथम दृष्टया तीन दिन आबादी क्षेत्र की दुकानें, आप जो खुद भी उसमें हेल्प कर रही है हम लोग का पेट इसी में चलता है। हम हाथ जोड़ ले का।